एक्स भाई फुल एक्सीलेटर कर दिया खेचते गाड़ी। और यहाँ पे कितनी शांति लग रही, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। तो यहाँ पे दो मिनट अभी अपन रेस्ट लिया, स्नैप वगैरह बनाया। लौट के बुद्धू घर को आए, लेके हम फल्ली आए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप करते बहुत बढ़िया हो, एकदम मस्त हो गए। आज दिन की शुरुआत आपके साथ मॉर्निंग के, गाइस आपको टाइम बता दूं तो 1:15 बज रहे हैं। थोड़ा लेट शुरुआत हो रही है, आज मॉर्निंग ही लेट चल रहा है, सब काम आज डीले डीले। अभी नाश्ते किए भाई 12 बजे, अभी आधा घंटा हुआ है, नाश्ता अभी करके फ्री हुए। बाकी आज का ब्लॉग क्या रहेगा वो तो आप थंबनेल टाइटल देके आप पहचान ही गए होंगे, चल ही गया होगा कि आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है। तो ना गाइस, आज मैं आपको ना एक्टिवा 4GBS4 है ना, आपको हाई स्पीड बताने वाला हूँ। तकरीबन 65,000 के अराउंड गाड़ी चल गई है। गाड़ी को भी ना गाइस 7 ईयर्स अराउंड हो गए और उसके बाद भी गाड़ी कितनी स्पीड टॉप स्पीड जाती है, आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अंदर बच्चों के पास चलते क्या कर रहे देखते भाई, यहाँ पे इसका चल रहा है मूवी। बहुत शौकीन है शबक तो मूवी का, इसका मस्त मूवी चल रही है। अपना उस्ताद मस्त मोबाइल पे शॉर्ट्स वीडियो देख रहा है। शॉर्ट्स वीडियो की आदत ना छूटी नहीं रही भाई, बहुत मुशक्कत हो गई है इसकी आदत छोड़वानी ना भाई। यूट्यूब डिसेबल कर दो ना गाइस, तो जो हालत करते है भाई साहब, देखना इससे मोबाइल लूंगा ना क्या करेगा जी। भाई अभी बाहर अभी निकल गए, मौसम चेक कर लो, बहुत तेज गर्मी हो रही है। 15-20 मिनट लगेगा वीडियो शूट करके अपन आ जाएंगे, और शाम का क्या प्लान है वो वीडियो के एंड तक बताऊंगा। यहाँ पे भैया लोग भी आए हुए, थोड़े साइड हटते भाई आगे। भाई को अलमारी चाहिए, पहले अलमारी का समझा देते उसके बाद फिर निकलेंगे। ये देखो भाई सीक्रेट लॉक देख लो, ऐसे ही चाहिए ना, आंटी बोल रही है एज इट इज रहेगा ना सही। लो जी अभी गाइस फ्री हो गए, टाइम देख लो 1:30 बज गए। फिलहाल पापा जा रहे हैं घर में और मैं जा रहा हूँ अभी वीडियो शूट करने के लिए। मैं आ जाऊंगा अराउंड मेरे को 10-15 मिनट 20 मिनट लगी। गाड़ी चाबी लगी है? नहीं लगा। गाड़ी चाबी कहाँ है? मैं अभी एक्टिवा में वीडियो शूट करनी है, एक्टिवा चाबी नहीं मिल रही भाई, क्या सीन हो गया? ये तो पापा ही मॉर्निंग में चलाया था। चाबी कहाँ कर रही हो आप? अराउंड 65,000 किलोमीटर चल गई है, 64,885 किलोमीटर नेट अभी गाड़ी चल गई है। बीच में साल भर किलोमीटर भी इसका बन रहा है। यहाँ पे तो सिटी में ट्रैफिक है, यहाँ पे तो अभी अपन वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी चलते हाईवे में देखते हैं बाईपास की तरफ, वहाँ पे जाके अभी अपन स्पीड टेस्ट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो मेरे को उम्मीद तो नहीं गाड़ी 60-70 चले जाए गाइस, क्योंकि अभी इसकी माइलेज वाइलेज सब डाउन हो चुकी है। जब गाड़ी प्रॉपर सेट नहीं रहती ना तो पिकअप माइलेज बिल्कुल नहीं देती है। भैया बीच से आ गए। गाड़ी में फ्यूल अप भी करवाना है, फ्यूल भी पूरा एम्प्टी हो चुका है। पेट्रोल पंप में पेट्रोल इसमें डलवाते हैं गाइस, गाड़ी को खाना खिलवाते हैं। रिक्शा वाले ये देखो भाई बीच में डालना है इन लोग को। बाईपास की तरफ ही अभी अपन पास पहुंचने वाले हैं। तो भाई ट्रकें कितनी ज़्यादा है। रोज गाइस पेट्रोल पंप भी आ गए, ऐसे फ्यूल डलवाते हैं। नॉर्मल है ना, ये ट्रक से आगे जाने मेरे को बहुत धूल मिट्टी उड़ा रहे हो। टर्न दे रहे भाई, अभी यू टर्न ले लेते हैं। फ्यूल डलवाना था, थोड़ा सा ही मैंने फ्यूल डलवाया ताकि माइलेज का पता चल जाएगा ना, साथ में माइलेज टेस्ट भी हो जाएगी भाई जी। बाईपास भी फिलहाल अभी अपन पहुँच गए। अभी मेरे आईफोन में ना क्या दिक्कत आ रही, फाइल करप्ट हो जा रही भाई। वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, वो फाइल दो फाइल करप्ट कर दी है। वापस घूम के वापस गए फिर से वीडियो शूट करके। ये देखो रॉन्ग साइड आ रहे ट्रक। ऐसी हाईवा भी बस खाली सी मिले, पहले टोल रोड क्रॉस कर ले ना, फिर लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं भाई। ये टू व्हीलर का अच्छा है, अपन साइड से निकल लेते हैं। तो गाइस पूरी रोड खाली है भाई, नेक्स्ट लेवल, पूरा हाईवे खाली पड़ा है। और ओए हैंडल कैसे स्विंग कर रहा है भाई। गाड़ी को बिल्कुल धीरे कर लिए क्योंकि ये गाय लोग आ रहे हैं ना बीच में भाई। उम्मीद नहीं थी 80 टच करेगी गाड़ी, लेकिन अपनी 80 टच कर दी है। लेट्स भाई फुल एक्सीलेटर कर दिया, खींच दे गाड़ी, दिखा दे अपना दम। जाएगी भाई अपनी बिल्लो रानी, जाएगी 90 जाएगी भाई अपनी बिल्लो रानी, तब चले गई है। चढ़ाई है गाड़ी रोड में, बिल्कुल चढ़ाई है। नाच मेरी जान होके मगन हूँ।
गाइस अभी मैं दुर्ग से बहुत आगे आ चुका हूँ। दुर्ग अराउंड यहाँ से 20-25 किलोमीटर के आगे हूँ मैं। यहाँ पे रेल ट्रैक है पूरा और यहाँ पे कितनी शांति लग रही है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। तो यहाँ पे 2 मिनट अभी अपन रेस्ट लिया, स्नैप वगैरह बनाया, थोड़ी बहुत गाड़ी के शॉर्ट्स भी लिए और बीच में ना मैंने अलग से वॉइस भी डाली क्योंकि मोबाइल पर बीच में हवा वगैरह की साउंड आती है ना, इस नाम से मैंने एक्स्ट्रा वॉइस डाली उसमें। यहाँ पे 10-15 मिनट रुक के अभी अपन वापस जा रहे हैं और आपको अभी टाइम बता दूं 2:30 बज गया है, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी भागी भाई, 80-85 तक ही गई है इस गाड़ी। और मेरे को भाई लिटरली उम्मीद ही नहीं थी गाड़ी टच कर पाएगी, 80 भी पहुंच पाएगी इसकी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अपनी बिल्लो रानी पहुंच गई है। और काटा चेक कर लो, काटा पूरा ई में फेंक दिया इसने। अपने हाईवे भी आ गए, हाईवे से सीधा भी निकलते हैं अपन दुर्ग आगे, नागपुर भी पड़ जाएगा थोड़ा आगे और जाएंगे तो। पहुंच ही गए, बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी, धूप तो खैर चले गई है, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट होगी भाई अभी भी, लेकिन अपनी बिल्लो रानी भग गई भाई। तो फिलहाल इसको अंदर रखते हैं, हीट कर गया इंजन, बहुत ज़्यादा हीट कर गया, साउंड देखो ना पूरा खुल गया भाई साउंड गाड़ी का। फाइनली घर पहुंच के अभी अपने को लग गई भूख, रोटी और साथ में शिमला मिर्च। क्या लगा दूं? वाला कोट लगा दे। कौन सा? माइनक्राफ्ट वाला कोट। अच्छा माइनक्राफ्ट ही अभी लगा देता हूँ ना, खाना खा लूँ फिर लगा देता हूँ। अभी ना लंच हो गया और अभी अपन खेलने वाले कैरम। यहाँ पे शबर ने कैरम पूरा बिछा दी, पाउडर तो अपने पास है नहीं तो ऐसे ही अपन ने नॉर्मल पाउडर डाल के खेल रहे हैं। गोटी रेडी कर दी शबर, पूरी गोटी ना? चल ठीक है, देर कैरम खेलेंगे फिर आपसे मिलते हैं। तुम नहीं खेल पाओगे ना, यहाँ पे जगह नहीं है। अच्छा तुम मेरा पार्टनर बन जाओ, मेरे साथ खेलना ठीक है। आज अपन गेम स्टार्ट कर रहे हैं ना, चल शबर। यार तभी तो सीखेगा ना ना किरत। तो भाई की यहाँ पे फिर से लड़ाई हो पड़ी है और अभी जा रहे शबद को मना के आते हैं। ये देखो घूमने का नाम इधर 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 दे कैमरा चालू है ना, अभी हंस रहा था भाई, बहुत चला के लड़का, बहुत चंट लड़का है। इसे किरत चीटिंग करके ना गोटील क्या ले गया, दोनों भाई लड़ पड़े। शबद हर बार तो आपने तो वीडियो कल भी देखी, शबद हार के ना भी हार गया था और डरने लग पड़ा था भैया। आज भी किरत मस्त दमदार है, वो डरता नहीं भाई, वो डराता है। शबद को डरा दिया किरत ने। वो देखो देखो अब क्या शक्ति दिखा रहे हैं। हाँ, ये क्या ही है। अर्जेंट मेरे को काम आ गया, उसके लिए निकल रहा था बाइक से क्योंकि मेरे को थोड़ा आगे दूर भी जाना है ना। फिलहाल रेस्ट कर रही है लेकिन भसड़ ये हो गई है, तो पेट्रोल वाला खुल ही नहीं रहा बाइक में, बिल्कुल पेट्रोल नहीं, बहुत कम पेट्रोल है। और देखो ऑयल भी डाला है इसमें। एक्टिवा की चाबी भी नहीं ला सकते हम क्योंकि अंदर कीरत बैठी। हाँ यार अब कैसे कर, इसमें पूरा ऑयल भी डाल दिया फिर भी नहीं खुल रहा है, बहुत परेशान है भाई। अभी हीरो शोरूम बहुत दिक्कत दे रहे हैं, क्या करें, वो भी क्या करें, वो भी तो ऑयल ही डालेंगे, ऑयल तो अपन ने डाली, पूरा ऑयल ऑयल है चाबी में, फिर भी दिक्कत कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा तो अभी मार्केट भी नहीं खींच पाएगी ना गाड़ी। ऑयल और डाले दिया लेकिन फिर भी नहीं हो रहा भाई, दिक्कत। लौट के बुद्धू घर को आए लेके हम फल्ली आए, वाह वाह क्या जोक हो गया। अरे कोई खोल ही नहीं रहा, गेट ही नहीं खोल रहा कोई, अरे टूट जाएगा, पागल हो गए क्या। मैंने वीरजी को कंप्लेन कर दी है शबद की और शबद डर रहा है भाई, रोना चालू कर दिए किरत की। बात तो कर ले, वाह यार फल्ली आ रहा है किरत, तो जल्दी बात कर तू। हेलो एक्टिंग कर ले तो भाई मेरे को, मैं आशबन मेरे को एक्टिंग करना सिखाए, कैसे एक्टिंग करते बता तो मेरे को। ये देखो ये भी एक्टिंग है शबद की। कपड़ों की हालत टाइट हो गई है मेरे और शबद के भी, कपड़े पूरे गीले हो चुके। चलो यार दोनों बीमार हो जाएंगे, फटाफट कपड़े चेंज करते हैं, थोड़ी हवा भी चल रही है। गर्मी है तो गर्मी गर्मी में लू लग जाती है, जल्दी जल्दी अंदर आ। यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए आ गए दादी को देखे, शबद के लिए भी आ गए। आइसक्रीम चेयर्स करते हैं क्या, मेरी पानी क्या करोगे अभी, ऐसी मार्केट में मिलेगा। किरत की माइनक्राफ्ट भी ऑन हो गई, ये लेट गुड मॉर्निंग हो गई किरत की, उसके साथ गुड मॉर्निंग हुई है न्यू। गाइस आपने या तो वीडियो देख ली है, फिलहाल इस वीडियो करते एंड आपको मिलेंगे नेक्स्ट बड़ी वीडियो के साथ। कमेंट शेयर करें, बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, फटाफट जाकर चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर देना। अभी वीडियो जल्दी एंड करें क्योंकि अपना ना सर बहुत भारी भारी लग रहा है, कॉफी वॉफी पियेंगे तो थोड़ा अपने को ठीक लगेगा। फिर तू गिर रहा है, ये गिरता ही रहता है। आपने जैसे आपने देखा मॉर्निंग, मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि गाड़ी 80 भी टच कर पाए क्योंकि गाड़ी ना बहुत ज्यादा रनिंग हो चुकी है। गाड़ी अगर ऐसे अगर हिसाब लगाएंगे 70+ ही चल गई, मीटर साल भर बंद ही था उस
उसका 4-5 महीने पहले मीटर चालू करवाया, उससे पहले तक मीटर बंद ही था। गाइस अच्छा परफॉर्मेंस दिया गाड़ी ने, एवरेज थोड़ा कम दे रही है और सर्विस वगैरह होगी ना तो पिकअप एवरेज और बढ़ जाएगा। उम्मीद है 90 तो आराम से टच कर ही देगी, 85 तो गई है, 80 प्लस ही गई है। टेक केयर एंड बाय बाय।